हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल ऑलराउंडर फ्लेक्सिप किलर स्मार्टफोन अंडर 25,000। वैसे तो 25,000 के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट हमने उन्हीं 5 स्मार्टफोन को चुना है जो कि इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। जो जो स्पेसिफिकेशन आप 25,000 के अंदर एक्सपेक्ट करते हो, वो सभी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पावरफुल प्रोसेसर, तगड़ा कैमरा, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जबरदस्त डिस्प्ले, मतलब कि सब कुछ आपको तगड़े लेवल का मिल जाएगा। सभी स्मार्टफोन का जो प्राइस 1,000 से 2,000 रुपये अप डाउन होते रहता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। एंड स्मार्टफोन लेने से पहले आप अमेजन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर प्राइस चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको 1,000 से 2,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सभी स्मार्टफोन का जो बेस्ट बाय लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको पसंद है तो आप बाय भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम, और आप बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में, तो जो हमारी लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है, ओप्पो की तरफ से IQ Z7 Pro 5G। अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग सेंट्रिक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन IP52 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी और डस्ट रोक सकता है। सिंगल मस्ट स्पीकर है, बट गाइस इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो, बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। अच्छी बात यह है कि फ़ोन को अनलॉक करने के लिए एंड डिस्प्ले लॉक मिलता है, और ये स्मार्टफोन आउटऑफ़ बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे, एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4600mAh का बैटरी है, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 66W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में, तो इसमें लगा 6.78 इंच का फुल HD+10 bit सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 300Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। कितना भी सनलाइट हो, आप अपने डिस्प्ले को काफ़ी इजीली देख पाओगे। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, कलर, साइज, ब्राइटनेस, डिजाइन सब कुछ आपको तगड़े लेवल का देखने को मिल जाएगा। कॉन्टेंट वॉचिंग में आपको काफ़ी मज़ा देगा ये स्मार्टफोन। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्क्वेक में 64MP जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 2MP का डोल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, एंड इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K Video 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K Video 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल दोनों कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट हो या फिर लो लाइट दोनों में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में, तो इसमें लगा है मीडियाटेक डोमेस्टी 7200 का 5G चिपसेट, और जो इसका अंतु तो उसका 7,40,000 के करीब है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा, एंड इससे आप लो टू हाई सेटिंग पर लॉन्ग टर्म तक गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। एंड अगर आपको एक गेमिंग सेंट्रिक तगड़ा ऑलराउंडर फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर और सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके 8128 को जो 30,999 रुपये यानी कि 2400 रुपये 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले, गेमिंग एंड कैमरा सेंट्रिक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बड़ों थोड़ा सा और अगर तरफ बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो जो हमारी लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो मोटो की तरफ से Moto H14 Neo 5G। अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर बैलेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एंड 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी है, एंड बाकी फीचर्स भी काफ़ी तगड़े तगड़े देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो जो इसका प्राइस है वो 23,000 के करीब है, बट बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद 20 से 21,000 में आराम से देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो ये जो स्मार्टफोन IP68 सर्टिफाइड है, मतलब कि वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है, पानी में अगर चला भी जाता है तब आपके स्मार्टफोन को कुछ नहीं होगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, डुअल स्टोरेज स्पीकर है, 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो या फिर 1 सिम + 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये स्मार्टफोन आउटऑफ़ एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। गाइस, इसमें आपको 2 ईयर्स तक एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे, एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 68W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.55 इंच का फुल HD+PoLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है।
1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, जिससे कि ब्राइटनेस को लेकर आपको आउटडोर में कोई भी इशू नहीं होगा। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, कलर साइज ब्राइटनेस सब कुछ बढ़िया लेवल का मिल जाएगा। एंड कर्व डिस्प्ले है तो देखने में आपको काफ़ी प्रीमियम लेवल का फील दिलाएगा, कंटेंट वाचिंग में मज़ा भी काफ़ी देगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्क्वेक में 50 मेगापिक्सल जिसमें अलग OIS का सेंसर प्लस 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा है मीडियाटेक डेमिस्टी 7030 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतुतु स्कोर है वो 500,000 के करीब में है। ये जो स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, बट गाइस आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको हैवी गेमिंग करना है, मतलब कि इंटेंस गेमिंग करना है, तब आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर देना। इससे अगर आप कैजुअली गेमिंग करते हो, मतलब गेमिंग करते हो बट उस लेवल की नहीं, हाई लेवल की, तब आप इस स्मार्टफोन को आप ले लेना। बट अगर आपको हैवी गेमिंग करना है तब आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर देना। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8256 का जो प्राइस है 22,999 रुपये, यानी कि 23,000 रुपये, 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर। देन इफेक्टिवली ये जो स्मार्टफोन है 21,000 में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 20 से 21,000 के अंदर एक बेस्ट कर्व डिस्प्ले बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रैंक करता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord C3 5G। अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज अलग अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन IP54 सर्टिफाइड है, डुअल स्टेज स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM या फिर 1 SIM प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। बट गाइस इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। फोन को अनलॉक करने के लिए इंडस लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 5000mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है। इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 80W का इनबॉक्स चार्जर भी है। 6.7 इंच का फुल HD+10 bit फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्क्वेक में 50 मेगापिक्सल जिसमें लगा सोनी सेंसर का OIS कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। एंड इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल इसका दोनों कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, फ्लेक्सिप सेंसर यूज़ किया है तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा ही। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा स्नैपड्रैगन 782 का 5G चिपसेट और जो इसका अंतुतु स्कोर 7 लाख के करीब में है। नॉर्मल यूज़ में कोई भी इशू नहीं होगा एंड इससे आप लो टू हाई सेटिंग पे अच्छे से लॉन्ग टर्म तक गेमिंग कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है 26,999 रुपये, यानी कि 27,000 रुपये, 2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे। देन इफेक्टिवली इसके 8128 वाला जो वेरियंट है आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड 25,000 के अंदर अगर आपको एक बेस्ट कंप्लीट पैकेज ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बड़ों थोड़ा सा और अगर तरफ बात कर लेते हैं दूसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है वो IQ की तरफ से IQ Neo 7 5G। वैसे तो जो इसका प्राइस 28 से 29,000 के करीब में रहता है, बट अभी के टाइम पे बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के 25,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो प्लास्टिक का बैग देखने को मिलता है, इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते हो। 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। फोन को अनलॉक करने के लिए इंडिस प्लॉक भी है। गाइस इसमें आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 5000mAh का बड़ा बैटरी देखें, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 120W का सुपर डार्ट चार्जर भी है। गाइस फुल चार्ज होने में 20 से 25 मिनट लगाता है एंड एक दिन का बैटरी बैकअप इससे आपको आराम से मिल जाएगा। 6.78 इंच का फुल HD+AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। डिस्प्ले सेक्शन इस स्मार्टफोन का काफ़ी ज़बरदस्त है, कलर साइज ब्राइटनेस परफॉर्मेंस सब कुछ आपको बढ़िया लेवल का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64 मेगापिक्सल जिसमें एक लगा सैमसंग का GW3 वाला सेंसर प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का
ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 20 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा इसका ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा हाई लेवल का है ना ही ज़्यादा लो लेवल का है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट टैलेंटेड फीचर के बारे में। तो इसमें लगा है मीडियाटेक डोमेस्टिक 8200 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतु स्कोर 8,50,000 के करीब में है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त है। लो टू हाई सेटिंग पे किसी भी हाई ग्राफिक्स वाला गेम को इजीली खेल पाओगे बिना किसी इशू के। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 8128 का जो प्राइस है 24,999 रुपये यानी कि 25,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर रैंक करता है वो रियलमी की तरफ से रियलमी GT Neo 3 5G। अगर आपको एक बेस्ट एंड पावरफुल फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब जो इसका प्राइस था वो 35 से 40,000 के करीब में था, बट अभी के टाइम पे बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के 25 से 26,000 में देखने को मिल जाता है। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो बट SD कार्ड नहीं लगा सकते। नई 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। फोन कॉल लगाने के लिए डिस्प्ले लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटो डॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। गाइस इसमें आपको 2 ईयर्स तक एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिलेंगे एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। 4500 mAh का बड़ा बैटरी है। इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 150W का इनबॉक्स चार्जर भी है, मतलब कि 0 से 100 ये स्मार्टफोन बस 20 मिनट में चार्ज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें लगा 6.7 इंच का फुल HD प्लस 10 बिट सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 1000 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है एंड कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी है। डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी तगड़ा है, कलर साइज ब्राइटनेस सब कुछ आपको अच्छे लेवल का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 MP जिसमें कला सोनी MX766 का सेंसर प्लस 8 MP प्लस 2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 10K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डोमेस्टिक 8100 का 5G चिपसेट और जो उसका अंतु स्कोर 8,20,000 के करीब है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम टॉप नॉच का मिल जाएगा। अगर आपको हेवी लेवल की गेमिंग करनी है देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। लो टू हाई सेटिंग पे किसी भी गेम को काफ़ी इजीली खेल सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 12256 का जो प्राइस है 25,799 रुपये वो आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर फ्लेक्सिबल के लिए स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि 12GB का बड़ा रैम हो, तगड़ा प्रोसेसर हो, 150W का सुपर डार्ट चार्जर हो देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल फ्लेक्सिबल के लिए स्मार्टफोन अंडर 25,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किस बात का इंतजार करो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।